अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, तो उस टाइम पर करंट सिचुएशन क्या है, और फिर इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करना है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान, हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो तालिबान की हम बात करते हैं ना, क्या है, एक इस्लामिस्ट है ना, फंडामेंटलिस्ट है, और इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, और जो अफगान की पॉलिटी है इसको ये कंट्रोल कर रहे हैं कुछ टाइम से, है ना। तालिबान है ना फाइट कर रहा था, पहले यूएस बैक्ड गवर्नमेंट काबुल में है ना इनको हेल्प कर रही थी। अगर हम इसको समझे ना, ऐसा कहा जाता है कि तालिबान को बनाया किसने, है ना, ऐसा कहा जाता है कि यूएस का सपोर्ट था, और रशिया रशिया का कंट्रोल इस एरिया में हो रहा था, क्योंकि ना मैकाइंडर और स्पेकमैन की थ्योरी थी, उसमें वो हार्टलैंड ड्रीमलैंड की बात करते हैं। वो क्या कहते थे, कुछ ऐसी जगह है जैसे हार्टलैंड है, जिसका कंट्रोल वहां पर है उसका कंट्रोल सारे एरिया में होगा, है ना। मतलब वही अफगानिस्तान की गलती क्या थी, है ना, अफगानिस्तान क्यों लूटा, रिसोर्सेज बहुत थे, कनेक्टिविटी बहुत थी, मतलब जो जगह सबसे ज्यादा डेवलप होनी चाहिए थी वही जगह बर्बाद हो गई, ठीक है। तो रिसोर्सेज बहुत है यहाँ पर, अगर आप मिनरल्स देखो क्यों सारे पड़े हुए हैं। अब यूएस गया लड़ाई करी, है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि बस डेमोक्रेसी ही करी है यूएस ने वहां पर, उन्होंने वहां पर जैसे ही एरिया उनके अंडर आने लगे, कैसे वापस कैसे कर रहे थे, अफगानिस्तान को हेल्प कर रहे थे, तो अफगानिस्तान वापस कैसे रिपे कर रहा था, माइंस, उनका मिनरल एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा, कॉपर वगैरह बहुत मिलता है, यूरेनियम मिलता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, बाद में जितना सामान ले गए थे लड़ने के लिए सारा अफगानिस्तान की सरकार को बेच दिया, तो अफगानिस्तान की सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वही माइंस मिनरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो सब लोग वही जो जैसे हम देखेंगे, तो अभी ये तालिबान है, पहले लड़ रहे थे यूएस बैक गवर्नमेंट, और अभी फिर इसके बाद विड्रॉल हो गया यूएस ट्रूप्स का, और अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा से कंट्रोल में आ चुका है। अभी अगर हम समझे कि सिचुएशन कैसी है, तो एक पैसा, कितना पैसा है यहाँ पर, है ना, फिनेंस का इशू है कंट्री में, और फिनेंस चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर इन्होंने एक रेडीमेड कंट्री को लिया, एडमिनिस्ट्रेशन कितना, अराउंड 32 मिलियन ना रिक्वायर कर रहे कैपेसिटी यहाँ पर, बट पैसा नहीं है, फिनेंसिस में एक गैप है, 32 मिलियन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ अगर हम देखें पॉपुलेशन है कैसी है, ज्यादातर मिडिल क्लास है, मींस नहीं है, और जो भी एजुकेटेड लोग थे सिविल सर्विसेज में थे वो लोग कहीं ना कहीं जब तालिबान आ रहा था भाग गए थे, ठीक है। तो देश में अभी एक क्रंच है, नॉलेज क्रंच भी है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बंदे थे वो छोड़ के निकल गए, ठीक है, और फर्दर फाइनेंशियल क्रंच भी है, अफीम की खेती हो रही है ना पैसे लाने के लिए कहाँ से, क्योंकि फंडिंग तो हो रही है ना, एक इतनी AK-47 एक खरीदी होती है, बंदूकें इनके पास इतनी है, असला बारूद कहाँ से आ रहा है, उसके लिए फिर वो इलिसिट एक्टिविटीज भी हो रही है। अगर हम देखें रिजीम है इसकी नॉन रिकग्निशन है, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें बहुत लोग हैं वो रिकोगनाइज नहीं कर रहे हैं फॉर्मली, है ना, तालिबान को पूरा रिकोगनीशन कहाँ मिला है, तो यहाँ पर बहुत लोगों पर ट्रेवल बैन लगे हुए हैं तालिबान के ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग इंटरनेशनल फिनेंसिस इनसे नहीं, IMF है वर्ल्ड बैंक है, पैसा नहीं मिल रहा है। फिर हम बात करें इकॉनमी यहाँ की, तो मई 2022 तक तालिबान ने प्रेजेंट करा था एनुअल बजट, तो ये डोमेस्टिक रेवेन्यूज पे ही था, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है स्पेंडिंग के बारे में, या फिर जैसे रेवेन्यू, और जैसे हम ये बात कहते हैं ना कि फिस्कल डेफिसिट, कि जो खर्चा हो रहा है और जो पैसा आ रहा है उसमें जो गैप है उसको कैसे फिलफिल करेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान के रेवेन्यूज किससे आ रहे हैं, जो वहाँ की कस्टम ड्यूटीज है, मेनली यहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा कंट्री के अंदर अभी इकोनॉमी नहीं चल रही है, सिक्योरिटी इश्यूज अगर आप देखो, ठीक है, तो अभी तालिबान खुद टेंशन में है, जैसे दाएश की हम बात करते हैं ना, तो इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो दाएश ये इस्लामिक स्टेट, ये खोरसान प्रोविंस ना ISIS, तो इनसे इनको भी टेंशन है, क्योंकि इन्होंने भी अटैक्स करे थे काबुल में, ठीक है, तो फ्राइटनिंग रेगुलरिटी से बार बार ये अटैक्स हो रहे हैं दाएश के द्वारा। जो अलकायदा के ये लीडर थे है ना अयमान अल जवाहरी, ये काबुल में मारे गए थे, ठीक है ना, इन्हें यूएस है, तो इससे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है इस एरिया में, मतलब खुद अफगानिस्तान की जो रिजीम है वो भी टेंशन में है, और उनसे ज्यादा जो फंडामेंटलिस्ट है कहीं वो उनके रिजीम को हटा ना दें, उनके लोगों को मार ना दें, ये एस्पेक्ट्स रहेंगे। बाकी जो पॉपुलेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तालिबान की, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम सोसाइटी में एटीट्यूड देखें सिविल सोसाइटी का, जैसे काबुल है ना ओवर द पीरियड वैसा ही चल रहा है,
तो यहाँ पर ब्रूटैलिटीज तो नहीं हो रही, जैसे शुरू में था ना, बहुत ज्यादा लोगों को मार रहे हैं कर रहे हैं, वो चीज अब इतनी ज्यादा न्यूज में बाहर तो नहीं आ रही। देखो हो रही है कि नहीं हो रही है वो तो तब है ना, अगर किसी रिपोर्ट में हम देखें कुछ, तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। बट अगर इन जनरल देखेंगे तो ड्रेस कोड है ना, मेन वुमेन के लिए, भले कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी ये एंटी पीपल एक्शन तो है ही, जैसे बैन है लड़कियों की एजुकेशन पे क्लास 6 के बाद स्कूल्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, क्या वुमेन्स को जॉब मिलेगी, है ना। जैसे और अपोजिशन चल रही है, जैसे डिमांड है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रेड की, डिमांड वुमेन वहां पर कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं हो रही है। तो इन जनरल अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभी अफगानिस्तान में क्राइसिस तो चल रहा है और बाहर से इतनी हेल्प नहीं आ रही है। ठीक है, हम इतनी क्यों बात करें, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कोई बात कर रहे होते, क्योंकि तालिबान के साथ हमारे रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंड है इंडिया के रिलेशनशिप। बट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान, अगर हम समझे, एक तो इकोनॉमिक और हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अगर समझने की कोशिश करें, अफगानिस्तान हमारा एक गेटवे की तरह है, जो भी हमारा मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पर है ना मिनरल रिच जितना एरिया रहेगा उसको कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम डेवलपमेंट कर भी रहे थे, है ना, ईरान है, अफगानिस्तान है, इसमें डेवलपमेंट हम अभी क्या कर रहे हैं, छाबार पोर्ट बना रहे हैं, कहाँ पर, ईरान में, है ना। उसके बाद फिर जरन देले राम रोड बनाया जा रहा है, क्यों, जो पाकिस्तान का एक बॉर्डर है ना, उसके अलोंग हमने पहले रोड वगैरह डेवलप काफी किया था, हम ये चाह रहे थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हमारे को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिले। ठीक है, बट अब वही हो रहा है कि मिनरल रिच एरियाज है, वहां पर कनेक्टिविटी हमको नहीं है, नहीं तो हम वो रिसोर्सेज ले सकते थे। और जो इनको ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, जिसने लैंड रूट्स इंडिया का कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ है, ये हमारा अफगानिस्तान के थ्रू था, वो चीज हमारे कंट्रोल में फिलहाल नहीं है एब्सोल्युटली। फर्दर अगर हम देखेंगे, हार्ट हिस्टोरिक सिल्क रूट की हम बात कहते हैं, हार्टलैंड जो है, तो सिल्क रूट को ये एरिया कनेक्ट करता है। तो अफगानिस्तान कॉमर्स के लिए एशियन कंट्रीज के बीच में और यूरोप के बीच में था, इसी वजह से जो रिलीजियस कल्चरल और कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट यहाँ पर हमारे थे, अभी वो नहीं उस लेवल पे हो पा रहे हैं, इस वजह से हमारे जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो कर्टेल हो रहे हैं। तो हम तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फिर इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी करे थे, है ना, हम रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स प्लान्स कर रहे थे, हमने इनका पार्लियामेंट बनाया है ना, अफगान पार्लियामेंट, इस जरन्स देले राम हाईवे बनाया है, फिर सलमा डैम, जो इंडिया अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया जो असिस्टेंस दे रहा था, है ना, अराउंड US$3 बिलियन, है ना, हमने प्रोजेक्ट्स में लगाया। इसके अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहां पर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, वहां पर पानी, है ना, साफ पानी के लिए हम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पोजिशन तो हमारी स्ट्रांग हो रही थी, बट ये थोड़ा सा लिमिट हो गया है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंडिया कर रहा था अफगानिस्तान में वो थोड़े कर्टेल हो चुके हैं। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है और पाकिस्तान, इसके अलावा जो सिक्योरिटी इश्यूज है ना, हम ये बात कह रहे हैं कि जिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम विक्टिम थे इस चीज के, है ना, कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क, जैसे हकानी नेटवर्क है, ये थोड़ा ना ज्यादा क्या कहेंगे, डॉगमेटिक है और बहुत ज्यादा ऐसा ना कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो ये हकानी जैसे हम कह रहे हैं, तो इंडिया की फिलहाल क्या ये हेल्प कर रहा है, ये वहां पर भी, मीन ये दोनों जगह पर, पाकिस्तान में भी और जैसे अफगानिस्तान की हम बात करें, कुछ एरियाज में इनका कंट्रोल है। ठीक है, तो वहां से हमारे अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो कोई भी अनफ्रेंडली गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए, है ना, इसको अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे अलकायदा है ना, इन सब को कंट्रोल ना मिले, नहीं तो क्या होगा, फिर ये इंडिया के लिए एक बेस की तरह बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ओवरऑल कि तालिबान का जैसे टेक ओवर हुआ है, तो हम एक डायलमा से में है कि अफगानिस्तान है, उसको डेवलप भी करना है, उसकी स्ट्रेटेजिक जो प्रायोरिटीज है उसको पूरा करना है, लेकिन, है ना, एक होता है ना कि अपना रिलेशनशिप भी ठीक करना है, लेकिन जो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो ना उनको रोकने की कोशिश भी करनी है, ताकि वो, क्योंकि देखो ना, अगर वहां पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो
सबसे पहले हमको ही इम्पैक्ट करेगी। तो इसीलिए बात की जा रही है कि इंडिया को एक अभी इशू क्या आ रहा है, तालिबान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं है। अभी जरूरत क्या है कि अभी कोई ना एक हमको एक कंक्रीट पॉलिसी बनाने की जरूरत है तालिबान के साथ, ठीक है। अदरवाइज ये जितने भी हम इश्यूज कह रहे हैं ये एग्रेवेट ही होंगे, ठीक है, सॉर्ट नहीं होंगे।